ओए मैडम चलें। हाँ बस दो मिनट, सिर्फ प्रिंट बाकी है। बॉस तो मीटिंग में है, तो प्रिंट किसको देगी? ओ नो यार, पुनीत कब से नीचे वेट कर रहा है। ये हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन भी बाहर जाने का प्लान करता है ना, ये बॉस लोग उस दिन की बैंड बजा देते हैं। तेरा वैलेंटाइन डे का कुछ प्लान नहीं है क्या? वैसे आज हम शॉपिंग जाने वाले हैं। राकेश ने कल की पूरी प्लानिंग करी है रिसॉर्ट में, आज रात को ही निकलेंगे हम। वाव यार, लेकिन ये बता ये प्रिंट किसके हाथ में देके निकले, वरना वैलेंटाइंस डे से पहले मेरा ब्रेकअप जरूर होगा। ये देख, मिल गया तेरा सोल्यूशन। अनुश्री? यस, ये लास्ट मंथ ही ज्वाइन हुई है। चल इसके पास देते हैं और हम फुर हो जाते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता इसका कोई वैलेंटाइंस डे से लेना देना होगा। चल वाह मैडम वाह, एक दिन पहले ही गिफ्ट पैक कर रही है। ऑफिस में सेटिंग लग गई क्या? वैसे भी वैलेंटाइंस डे क्या सिर्फ तुम दोनों के लिए होता है? और रही बात सेलिब्रेशन की, वो मैं तुम दोनों को क्यों बताऊं? चलो अनु बेटा, अरे कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना टाइम पे खा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तू मेरी फिक्र मत कर, तू यहाँ नहीं है ना तो पूरा घर खाली खाली लगता है। मुझे भी बहुत याद आती है पापा। बेटा तू अपना ख्याल रखना। जी पापा। लगता है कोई दरवाजे पे आया है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। सर आपका पार्सल। डैडी विल ऑलवेज बी डॉटर्स फर्स्ट लव। हैप्पी वैलेंटाइंस डे पापा। तो चलो इस वैलेंटाइंस डे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स सजाते हैं प्यार का बंधन।